देखिए, न्यूक्लियर सेल मॉडल, न्यूक्लियर सेल, न्यूक्लियर सेल मॉडल, बोलो नहीं बच्चों, न्यूक्लियर सेल मॉडल। देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमिना, देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमिना, न्यूक्लियर फिनोमिना विच शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियाई, विच शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई एंड सो शार्पली डिफाइंड, शार्पली डिफाइंड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स सो शार्पली डिफाइंड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। दिस लीड टू द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। इसने लीड किया है सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। द आइडिया ऑफ सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस वाज बारोड, उसे लिया गया है बारोड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो देखिए न्यूक्लियर सेल मॉडल, देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमेना, सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमेना है विच शोज दैट शोज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई, जो प्रदर्शित करते हैं न्यूक्लियाई की एक्साइटेड स्टेट, विच शो द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियाई में भी एक्साइटेड स्टेट्स होते हैं, एंड सो शार्पली डिफाइन न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, और डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। दिस लीड टू द सेल मॉडल, जिसने लीड किया है सेल मॉडल को, द आइडिया ऑफ सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, जो आइडिया है सेल मॉडल का न्यूक्लियस का, वो किससे लिया गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, वही जो आप इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन करते हो 1s2 2s2 2p6, उसी से ये लिया गया। और उसमें भी आपने कहा कि जिसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, ठीक है, आपने कहा दो होंगे, ठीक है, आपने कहा दो होंगे, 2 का नंबर है आपका, 10 का नंबर है, 18 है, 32 है, 54 है और 86, अगर ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उस एटम के पास, तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड होती है। और वो वैसे यहाँ पर भी एक हम नंबर बताएंगे, ठीक है, मैजिक नंबर, और वो मैजिक नंबर को जो फॉलो अप करेगा वो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसमें मैजिक नंबर का वही हेडिंग डाल रहे हैं, मैजिक नंबर, मैजिक देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर ग्रुप्ड The electrons in an atom are grouped in cells and subcells. In cells and subcells. Electrons in an atom are grouped in cells and subcells. Grouped in cells and subcells. And atom with two, 10, 18, 32, 54 and 86 electrons. Atoms with 2, 10, 18, 32, 54, 86 electrons have all their cells completely filled. Have all their cells completely filled. इनकी सेल्स जो हैं वो पूर्णता भरी होती है, completely filled. Have all their cells जिनकी सेल्स हैं वो completely filled होती है.
ये नंबर याद कर लीजिए, 2, 10, 18, 32, 54 और 86 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी सेल्स और सब सेल्स पूरी भरी रहती है, ठीक है, अब कंप्लीटली फिल्ड होती है। सच स्टेट एटम्स, ऐसे एटम सच एटम्स आर यूजुअली स्टेबल, ये यूजुअली स्टेबल है एंड केमिकली इनर्ट है, एंड केमिकली इनर्ट है, एंड केमिकली इनर्ट है, स्टेबल है और केमिकली इनर्ट है। अब आइए, यही सिमिलर सिचुएशन, इस सिमिलर सिचुएशन, विशाल तुम बात बहुत करते हो, आवाज आती है ना इसमें, इस सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट, सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट विथ न्यूक्लियाई आल्सो, यही सिमिलर सिचुएशन न्यूक्लियाई के साथ भी है, सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट विथ आल्सो न्यूक्लियाई हैविंग न्यूक्लियाई के पास 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126 न्यूक्लियॉन्स ऑफ सेम काइंड, न्यूक्लियॉन्स हैं सेम काइंड के, एक ही प्रकार के, सेम काइंड आइदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर मोर स्टेबल देन न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग मास नंबर, मास नंबर्स ये मोर स्टेबल होते हैं। तो आपने सेल मॉडल दिया और ये नंबर ना लिखा, टीचर जान के जाता, पढ़ने को से कोई जरूरत नहीं, तो आप इसे हाइलाइटर से ठीक है, मेन ये है, नेबरिंग मास नंबर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज मैजिक नंबर, ऑब्जर्वेशंस
बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लाइन, ऑन द फॉलोइंग लाइन्स, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लाइन्स। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, हीलियम जेड टू, हीलियम जेड कितना है टू, एंड ऑक्सीजन जेड एट आर पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली स्टेबल, स्टेबल। हीलियम जेड टू और ऑक्सीजन जेड एट आर पर्टिकुलरली स्टेबल। हीलियम जेड टू और ऑक्सीजन जेड एट आर पर्टिकुलरली स्टेबल, ये पर्टिकुलरली स्टेबल है। कैल्शियम जेड ट्वेंटी जेड ट्वेंटी एंड टिन जेड फिफ्टी, टिन जेड फिफ्टी फिफ्टी हैव लार्ज नंबर ऑफ, हैव लार्ज नंबर ऑफ, हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप, स्टेबल आइसोटोप्स, इसके पास लार्ज नंबर में स्टेबल आइसोटोप्स है, देन एनी अदर एलिमेंट, देन एनी अदर एलिमेंट, देन एनी अदर एलिमेंट, देन एनी अदर एलिमेंट, देन एनी अदर एलिमेंट। देखिए न्यूक्लियर सेल मॉडल, न्यूक्लियर सेल मॉडल, न्यूक्लियर सेल मॉडल जो है वो बेस्ड है एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई। देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमिना, सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमिना है विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई, जो प्रदर्शित करते हैं एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियाई, जो प्रदर्शित करते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई, एंड सो शार्पली डिफाइंड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, और शार्पली डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स को। दिस लीड टू द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, ये लीड करता है न्यूक्लियस के सेल मॉडल को। द आइडिया ऑफ सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस वाज बोरोड, जो आइडिया है न्यूक्लियर सेल मॉडल का वो लिया गया है फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, किससे लिया गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से ये आइडिया लिया गया है। द आइडिया ऑफ द सेल मॉडल आर टेकन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मैजिक नंबर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया उसमें जो एटम्स थे जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट का फुलफिल्ड होती थी, उसी तरीके से वो स्टेबल है, केमिकली इनर्ट है, उसी तरीके से एक ऐसा नंबर किसके लिए लिया गया, न्यूक्लियस के लिए, कि न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन की ये संख्या हो या न्यूट्रॉन की संख्या, कोई एक होगा, या तो प्रो मतलब न्यूक्लियॉन
न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन या एक ही प्रकार का। एक बार इसको और देखिए, दे आर सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमिना, सर्टेन न्यूक्लियर फिनोमिना है विच सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई, जो प्रदर्शित करते हैं न्यूक्लियाई की एक्साइटेड स्टेट। सो शार्पली डिफाइंड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, और वो डिफाइन करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल। दिस लीड टू द सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियर, इसी ने लीड किया है न्यूक्लियस के सेल मॉडल को। द आइडिया ऑफ सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस वॉज बरोड फ्रॉम द, उधार लिया गया है फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर ग्रुप्ड इन सेल्स एंड सब सेल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ग्रुप्ड होते हैं सेल्स में और सब सेल्स में। एंड एटम्स विथ 2, 10, 18, 32, 54, 86 इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल देयर सेल्स कम्प्लीटली फिल, उनकी सभी सेल्स पूर्णता भरी होती हैं। हैव ऑल देयर सेल्स कम्प्लीटली फिल्ड, सच एटम्स आर यूजुअली स्टेबल, ऐसे एटम्स क्या कहलाएंगे, यूजुअली स्टेबल है और केमिकली इनर्ट है, यूजुअली स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट। ए सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट विथ न्यूक्लियाई आल्सो, यही सिमिलर सिचुएशन न्यूक्लियाई के साथ भी है। अगर न्यूक्लियाई के पास 2, 8, 2, 8, 20, 28, 50, 82 एंड 126 न्यूक्लियॉन्स ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार के, आइदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, या तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, आर मोर स्टेबल देन न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग मास नंबर, वो ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, नेबरिंग मास नंबर की तुलना में, नेबरिंग मास नंबर, ठीक है, मोर स्टेबल देन, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा जो नेबरिंग मास नंबर उसके आसपास के हैं, ठीक है, मोर स्टेबल देन न्यूक्लियाई ऑफ नेबरिंग मास नंबर, इसके आसपास वाले जो मास नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होगा। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। तो आप जैसे नहीं इसी चीज़ में आप फोकस करना चाहते हो तो यही तरीका होता है कि आपका पढ़े ना ज़्यादा, ठीक है, तो आपने हाइलाइटर लगा दिया, इतना समय भी नहीं होता, तो ये क्लियर हो जाता है जिसने मैजिक नंबर सही लिखा है उसने सब सही लिखा है, ठीक है। तो ये आप हाइलाइटर से जरूर कि ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये है न्यूट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन्स की संख्या या न्यूक्लियर, एक ही प्रकार के। दीज नंबर्स आर कॉल्ड मैजिक नंबर। ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फॉलोइंग लाइन, पहला ऑब्जर्वेशन हीलियम जेड टू, ठीक है, हीलियम स्टेबल है और ऑक्सीजन जेड एट, मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन है, ठीक है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, आर पर्टिकुलरली स्टेबल। इसी तरीके से कैल्शियम के भी कई आइसोटोप हैं, टिन के भी कई आइसोटोप हैं, कैल्शियम जेड 20 और टिन जेड 50 हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप, इसके पास लार्ज नंबर में स्टेबल आइसोटोप्स हैं देन एनी अदर न्यूक्लियस, दूसरे न्यूक्लियस की तुलना में, दूसरे एलिमेंट्स की तुलना में। देखिए अब देखिए तीसरा एंड प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरली नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव सीरीज, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव सीरीज
आर ऑल लीड टू टू द आइसोटोप्स जेड इज इक्वल टू 82। ये लीड कर रहा है आइसोटोप्स जेड इज इक्वल टू 82, इसको वो लीड करता है। चौथा, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एनर्जी द बाइंडिंग the binding energy curves curves has a small hello acha acha to hamari to hai aa jao aap 9:30 pe aa jao theek hai। हाँ हाँ पढ़ाएंगे, वो तो डेली पढ़ाते हैं सर, तो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स हैज स्मॉल पीक्स शोइंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। For the following nuclei 28 Ni 62, 38 Sr 88, 50 Sn 120, 58 Ce 140, 82 Pb 208। अब यहाँ पर ये देखिए, प्रोटॉन की संख्या 82 है, मैजिक नंबर है, प्रोटॉन की संख्या 28। यहाँ पर घटाइए ए माइनस जेड, ये कितना है 50, तो न्यूट्रॉन की संख्या ये क्या है आपकी मैजिक नंबर। ये आपका मैजिक नंबर 140 से 82, 58 घटाओगे तो एन माइनस ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड 82 आएगा, ये भी आपका मैजिक नंबर, और ये 82 मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर है। तो यहाँ पर या तो प्रोटॉन की संख्या मैजिक नंबर है या
न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक नंबर। देखिए 28 मैजिक नंबर, 88 माइनस 38 घटाओगे 50, आपका ए माइनस जेड न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक नंबर, 50 इसमें है ही प्रोटॉन की संख्या मैजिक नंबर, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक नंबर है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या मैजिक नंबर, ठीक है। तो ये देखिए, इट इज सीन दैट इट इज सीन दैट फॉर दीज न्यूक्लियाई आइदर जेड या तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ए मैजिक नंबर। वो क्या है मैजिक नंबर? या तो जेड है आपका मैजिक नंबर या ए माइनस जेड है आपका। तो ये आपका मैजिक नंबर। मैजिक नंबर। अब देखिए, आइए फिर फिफ्थ पे, द इलेक्ट्रिक क्वाडरपोल मूमेंट ऑफ मैजिक नंबर न्यूक्लियाई द इलेक्ट्रिक क्वाडरपोल मूमेंट्स ऑफ ए मैजिक नंबर न्यूक्लियाई आर नियरली जीरो आर वेरी लो लो या नियरली जीरो जीरो compared with those of other nuclei other nuclei This means that these nuclei have
ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एक्सपेक्टेड फॉर द मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। which is expected for the more stable nuclei जो कि expected है और ज़्यादा stable nuclei की, जो जितने स्टेबल होंगे। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल होता है, BSc में पढ़े थे, अभी यहाँ भी पढ़ाएंगे थोड़ा ज़रूर, इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल, और इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल के पास इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल मूमेंट होता है, तो वो फोर पोल बनाता है। चार्जेज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर आया, इधर प्लस क्यू के अपोजिट माइनस क्यू, इधर माइनस क्यू के अपोजिट प्लस क्यू, ऐसे इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल मूवमेंट बनेगा इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल के कारण। द इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल मूवमेंट ऑफ मैजिक नंबर न्यूक्लियाई आर वेरी लो, जिनका मैजिक नंबर होता है उनके लिए वेरी लो है, नियरली जीरो है, कंपेयर्ड विथ दोज ऑफ अदर न्यूक्लियाई, किसकी तुलना में, दूसरे न्यूक्लियाई की तुलना में। दिस मीन्स दैट दीज न्यूक्लियाई हैव ऑलमोस्ट स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन न्यूक्लियाई के पास लगभग स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एक्सपेक्टेड फॉर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, जो कि एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। अब देखिए सिक्स नंबर पॉइंट, सेल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस is an attempt to account for the existence of magic number numbers and certain other nuclear property, the cell model of the nucleus is an attempt for account for the existence of magic number and certain other nuclear property. Isi point mein hai. According to this model, to this model
इस मॉडल के अनुसार द न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस लिव इन ए स्क्वायर पोटेंशियल वेल स्क्वायर पोटेंशियल में विथ राउंडेड कॉर्नर्स इन विच दे ऑक्युपाई separate discrete set of energy levels separate discrete set of energy levels देखिए एक और पॉइंट द ऑड न्यूक्लियाई द ऑड न्यूक्लियाई हैव एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन बोलो नहीं प्रोटॉन एंड एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोटॉन है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ठीक है सिंस ईच दीज particles has an half integral spin they give an integral total angular moment
टोटल एंगुलर मोमेंट, जिसे आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। अब आइए इवन इवन वाला, जिसमें ऑड नंबर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो ऑड ऑड नंबर का इन द सेंस जैसे 11 है, ठीक है, तो जो ऑड ऑड न्यूक्लियाई है, ऑड ऑड नंबर वाले न्यूक्लियाई, ये प्रोटॉन की संख्या भी ऑड में है और न्यूट्रॉन की संख्या भी ऑड में है। तो एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड एन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, सिंस ईच ऑफ दीज पार्टिकल हैज एन हाफ इंटीग्रल स्पिन, इनके पास हाफ इंटीग्रल स्पिन, दे गिव द इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम, और इसका इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम आता है। इसे आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते। एक और पॉइंट, सिमिलर कंडीशन, ठीक है, कंडीशन हाफ इंटीग्रल टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसका हाफ इंटीग्रल टोटल एंगुलर मोमेंटम हाफ इंटीग्रल टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इवन ऑड या ऑड इवन न्यूक्लियाई, इसे भी एक्सपेरिमेंटली कंफर्म है, विच इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म, मेंटली कंफर्म, जो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म। ठीक है, अब इसमें जो हम कलेक्टिव मॉडल बताएंगे, फिर उसमें आपको और चीज़ें बताएंगे। इतने पॉइंट्स सफिशियंट हैं एमएससी लेवल पे। बीएससी में आता तो 2-3-4 पॉइंट लिखा, ख़त्म करते। तो देखिए, जैसे ऑड ऑड न्यूक्लियाई का आपका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल होगा ऑड ऑड का, ठीक है भाई, एक का हाफ इंटीग्रल दूसरे का हाफ इंटीग्रल मिलके फुल हो जाएगा। यहाँ पे ऑड इवन वाले का या इवन ऑड वाले का हमेशा क्या रहेगा, आपका हाफ इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम होगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे किसी का एक है और किसी का 1/2, तो 3/2 आएगा ना, तो इसका क्या आएगा, हाफ इंटीग्रल टोटल एंगुलर मोमेंटम आए। ये है आपका सेल मॉडल, ठीक है। देख टाइम कितना हो गया, अगर अब 9:30 हो गया, अब आगे नहीं पॉसिबल।